किया दीदी आपने, वो लोग सानिया को मार डालेंगे। हमें एक बात तो समझाओ शारदा, जब हमने काशीनाथ के फैसले का सम्मान नहीं किया तब हमें चारों ओर से मुशवरे सुनने मिले, और जब हमने काशीनाथ के फैसले को सर आंखों पर चढ़ाया तब भी हमें गलत ठहराया जा रहा है। आखिर अब करे तो क्या करे? बात की नजाकत को समझिए जीजी, भीड़ की अपनी सोच नहीं होती, उन्हें सिर्फ शब्द सुनाई देते हैं, और आपके शब्दों को उन्होंने आदेश मान लिया है। अरे ये तो कह दिया आपने उनसे कि पांडे जी ने फरमान जारी किया है कि सानिया को बनारस में पनाह नहीं मिलेगी, लेकिन ये तो कहा होता कि उनके आदेश में ये भी शामिल है कि सानिया को शहर के बाहर सुरक्षित पहुंचाया जाए। ओह, तो इसका मतलब अगर सानिया को खरोच भी आती है तो जलन तुम्हारे शरीर को होती है, और वो जलन इतनी तेज है कि काशीनाथ के फैसले को भी अनसुना कर सकती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? एक मिनट ताई जी, कल तक तो आप भी चाहती थी ना कि सानिया वापस लौट कर आए इस घर में, आज आपको क्या हो गया? अरे वो तो आज भी हम चाहते हैं कि सानिया इस घर की शोभा बन जाए। हमारे अंदर बसी भाभी को जगा दिया। आज तक कभी हमने काशीनाथ के फैसले का सम्मान नहीं किया, और आज करने गए तब भी हमारे इस घर में कोई कीमत नहीं है। अफसोस इस बात का है जीजी कि आपने फैसला सिर्फ सुना, समझा नहीं। भोलेनाथ के भक्त काशीनाथ पांडे की भले ही तीसरी आंख खुलती लेकिन उनके हृदय में करुणा की गंगा बहती रहती है। उनका फैसला कभी किसी को निर्दयता से मार नहीं सकता। तो फिर मान क्यों नहीं लेती कि तुम भी चाहती हो कि सानिया इस घर में आ जाए? आप बात को गलत मोड़ दे रही हैं जीजी। इस वक्त आपको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि अगर उन लोगों के चलते सानिया को कुछ हो जाए तो। ये तो बड़ा दिलचस्प सवाल है शारदा, अगर सानिया को कुछ हो जाए तो। 100 बात की एक बात, इसका जवाब तो ढूंढना ही होगा।